नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। केंद्र सरकार द्वारा गांव के हर गरीब परिवार के लिए पक्का मकान बनाने के उद्देश्य से देश में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है, लेकिन साल भर से छत्तीसगढ़ में यह योजना के प्रति राज्य सरकार की रुचि नहीं होने के कारण गरीबों का आशियाना महज एक सपना बनकर रह गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की भड़ास को सरपंच को सहना पड़ रहा है, जिसके चलते राजनंदगांव में प्रधानमंत्री आवास में लंबित भुगतान एवं नवीन पक्का मकान स्वीकृति की मांगों को लेकर जनपद पंचायत के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ के अध्यक्ष नोमेश वर्मा ने बताया कि जनपद पंचायत राजनंदगांव क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु राशि स्वीकृत हुआ, जिसे पूर्ण कराने के लिए राशि जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने में परेशानी हो रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए लंबित राशि का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए तथा नवीन स्वीकृति हेतु लक्ष्य अनुसार जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करना चाहिए। जब से चुनाव जीते नए सरपंच, तब से ग्रहण लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है उसमें, और जिसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है, क्योंकि गांव का आदमी जो है वो सरपंच को सर्वेसर्वा मानता है, जिसके कारण हम सरपंचों को भी तकलीफ हो रहा है गांव में काम करने के लिए। इसकी मतलब एक राज्य शासन को एक ज्ञापन सौंप रहे कि जल्द से जो केंद्र से जो लक्ष्य दिया गया है वो स्वीकृति तत्काल प्रदान करें और गरीबों को राहत दे आवास के माध्यम से। राजनंदगांव से वाई के साहू, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।